The question is here, a definite amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.5 atm pressure. NH4HS decomposes to give NH3 and H2S, and at equilibrium total pressure is in flask is 0.84 atm. The equilibrium constant for the reaction is, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि NH4HS solid state में कंटेनर के अंदर NH4HS रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है 0.5 atm, यानी ये प्रेशर उसमें प्रेजेंट पहले से अमोनिया गैस जो एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है उसके कारण है, ये 0.5 atm प्रेशर उसमें प्रेजेंट है, NH3 गैस रिएक्शन से पहले अवेलेबल है इसमें। अब क्या हुआ, NH4HS जो उसके अंदर डाल दिया गया वो डिसोसिएट हुआ, अगर ये डिसोसिएट होगा तो उससे NH3 और H2S दोनों बनेंगे, इनके बनने से कुछ प्रेशर बढ़ा होगा, मान लो वो प्रेशर x प्रेशर बढ़ गया, और ये x प्रेशर और ये 0.5 टोटल प्रेशर हो जाता है 0.84 atm, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर कितना बढ़ा, तो 0.84 में से 0.5 जो NH3 का पहले प्रेशर था उसको माइनस करो तो वो आएगा 0.34। इसका मतलब ये कि न्यू अमोनिया का प्रेशर हो गया 0.17 और H2S का प्रेशर हो गया 0.17। अब आप देखो अमोनिया का टोटल प्रेशर कितना होगा, NH3 का पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टोटल हमारे पास होगा 0.17 प्लस 0.50 इज इक्वल टू 0.67, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S हमारे पास होगा 0.17। उसने पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है वो डाल दीजिए, ये वैल्यू दी हुई है 0.67 इनटू 0.17 इज इक्वल टू 0.1139, अप्रॉक्स आंसर आ गया 0.11।